वालेकुम दोस्तों, सब ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, ये चाइना में एक वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो ये वायरस कहाँ से आया है? ये वायरस चाइना में हराम जानवर खाने की वजह से फैल रहा है, वहाँ से ही कोई पैदा हुआ है वायरस। देखिए, हम पे अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हम पे उन जानवरों को हराम करार दिए। क्यों हराम करा दिया था? इसी वजह से हराम करार दिया था क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ जानता है, और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, फरमाया है कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ें, ताकि खाने मौजूद जरासीम हम पे हमलावर ना हो सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि कुरान पाक पढ़ें। देखें, आज साइंस कहती है कि कुरान पाक पढ़ने से कैंसर के बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। माशाल्लाह, अगर कुरान पाक पढ़ने से ये कैंसर के बैक्टीरिया मर सकते हैं, तो इस ये वायरस क्यों नहीं ख़त्म हो सकता? और एक और बात ये भी है कि अल्लाह के हुक्म के हम सब पाबंद हैं। अल्लाह जिस मर्ज़ी को जैसी चाहे मौत दे, चाहे किसी को शहादत की मौत दे, या किसी को वायरस की वजह से मौत हो जाए, या किसी बीमारी की वजह से, वो अल्लाह का हुक्म है। लेकिन कहते हैं कि हमेशा दुआ करें, तमन्ना रखें कि हमें शहादत की मौत हो। आमीन आमीन आमीन, क्योंकि कहते हैं कि शहीद कभी नहीं मरता।